जो आपने रिंग पहना है उस रिंग से पूरी साड़ी को पास करके दिखाएंगे। तो गाइस ये साड़ी है, ये अनुष्का शर्मा ने अपने शादी में पहनी थी। ये अनुष्का शर्मा के नाम से ब्रांड ही बन गया ये वाला डिज़ाइन। तो गाइस ये जो मोहल्ला है इसका एग्जैक्ट नाम है चौका घाट कॉटन मिल बुनकर मोहल्ला। तो ठीक चौका घाट के बीचों बीच मैं हूँ अभी कॉलोनी के अंदर ही। और ये जो बैकग्राउंड में बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हैंडलूम साड़ीज़ वगैरह का कारखाना है। तो एक बार अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हैंडलूम मशीनरी होती कैसी है एंड कैसे वो काम करती है। ये तानी है। अच्छा, ये तानी है और इसके ऊपर ये जो पूरा कैसे बनता है, इसमें धागा एक रील होती है धागे की। मशीन जो है हैंडलूम जिसको बोलते हैं, हाथ से गिनने वाली मशीन। ये मशीन दो तरह की होती है और एक साड़ी जो हैंडलूम पे बनती है जी, उसको बनने में कितना टाइम लग जाता है? हैंडलूम की साड़ी जो नॉर्मल साड़ी बनती है उसको मान के लिए 15 से 20 दिन नॉर्मल साड़ी। अच्छा। और जो हैवी साड़ी बनती है वो तो लगता है कभी कोई साड़ी ऐसी जिसको 3 महीना लग जाता है, 90 दिन का टाइम लगता है अभी एक साड़ी बनने में, और 4 महीना भी लगता है। वो होता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन के ऊपर होता है, डिपेंड करता है जी। उसमें 3-4 लोग लगे रहते हैं साथ में एक साड़ी बनाने जी। हाँ। और जो अपनी पावर लूम की मशीन साड़ियाँ वगैरह, पावर लूम की साड़ियाँ हम लोग बनाते नहीं हैं ना, उसका हम लोग अपना ऐसा कोई एक्सपीरियंस का जो बनारस का जो नाम है और जिसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी जो है साड़ीज़ की, वो हैंडवीव में आती है जी, उसकी एक अलग ही खूबी होती है। सही बात है। और कुछ साड़ी अपने पास देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ देखने के लिए आपको, देखिए आराम से देखिए, बिल्कुल दो चार सौ दिखाएंगे आपको। हम लोग का काम ही यही है, हमारे आप गेस्ट आप आए हुए हैं, आराम से देखिए, मोस्ट वेलकम आपका है। तो सर अपनी साड़ियाँ पूरे ऑल इंडिया सप्लाई होती है? ऑल इंडिया क्या कह लीजिए कि आप ऑल वर्ल्ड में जाती है बनारसी साड़ी, ऐसी चीज़ है ऑल वर्ल्ड कि कोई जगह उससे जो है खाली नहीं है और कदरदान अच्छी चीज़ों के हर जगह पाए जाते हैं। कि बनारस में किसी तरह का कोई भी सिल्क नहीं होता, ठीक है? सिल्क के धागे जितने भी आते हैं सब बाहर से आते हैं। बनारस का जो वेदर है वो सिल्क के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है? तो सिल्क के धागे जो भी आते हैं सब बाहर से आते हैं। बनारस की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है वो होती है बनारस का तांसी, उसी क्वालिटी पे रियल जरी का काम होता है। रियल जरी मीन्स सोने और चांदी की जरी। उसमें असली और नकली का जो पहचान क्या है तो वो हम आपको बताते हैं। जो प्योर कतान सिल्क होता है उसका थ्रेड जो है जलाने पे वो बाल की तरह महकता है, बॉडी के चमड़े की तरह, ठीक है? और जो पॉलिस्टर होता है वो जलते ही एकदम जो है प्लास्टिक की तरह जो है वो जलता है। और कतान जो है जब उसको आप जलाइएगा तो जलते ही वो राख हो जाता है। उसके पहले ये हम आपको बता दें कि वीविंग जो है 3 तरह की होती है। फर्स्ट इंटरलॉक वीव होती है, देखिए जैसे कि ये है बनारस कतान सिल्क प्योर, इसका ताना और बाना दोनों ही प्योर है। और साड़ियाँ भी जो है 2 तरह की होती है, एक का जो लेंथ होता है वो प्योर होता है, वेप्थ जो होता है सेमी सिल्क होता है, सेम उल्टा भी होता है, तो उससे भी जो है साड़ियों की प्राइस अप डाउन होती है। लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 100% प्योर है, इसका ताना भी कतान है प्योर और बाना भी प्योर है। देखिए साड़ी देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा तो हम आपकी पूरी रिंग्स जो आपने रिंग पहना है उस रिंग से पूरी साड़ी को पास करके दिखाएंगे। देखिए ये इसका अचल आएगा, ब्लाउज पीस ये आएगा, और देखिए इसमें आपको जो है ये फ्रंट हिस्सा है और ये बैक हिस्सा है। बैक में आपको जो है एक भी थ्रेड दिखेंगे नहीं, इसको कहते हैं इंटरलॉक वीव, ठीक है? और इस साड़ी को बनाने में 1.25 महीने का वक्त लगता है। तो ये है बनारस कतान सिल्क इंटरलॉक वीव, ठीक है? और ये वीविंग की फर्स्ट जो है वो स्टेज है, सेकंड हम आपको दिखाते हैं।
तो गाइस ये साड़ी है, ये अनुष्का शर्मा ने अपने शादी में पहनी थी। ये अनुष्का शर्मा के नाम से ब्रांड ही बन गया ये वाला डिज़ाइन। भैया ने दिखाया आपको ये साड़ी जी। देखिए ये फिकुआ वर्क है, ये भी कतान सिल्क है। ओके okay. कतान का ये जो है साटन सिल्क है, इसका भी ताना बाना दोनों ही जो है प्योर कतान है, लेकिन इसका टेक्सचर आपको डिफरेंट मिलेगा। देखिए ये अचल आएगा, ब्लाउज पीस इसका ये आएगा प्लेन, और ऑल ओवर आपको वी मिलेगा। और ये वो डिज़ाइन है जो अनुष्का शर्मा ने अपनी जो है रिसेप्शन में पहना, रिसेप्शन में पहना जी। देखिए ये है फिकुआ वर्क, ये पूरा जो है वेप्थ में धागे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है थ्रो करके वीप किए जाते हैं। वीप करने के बाद ये साड़ी जब करघे पर से उतरती है तो ये पूरी जो है इसमें जरी जो है आपको दिखेगी, इसको कैंची से कट किया जाता है। आजकल तो जो है आधुनिक जमाना है तो मशीनें ऐसी ऐसी आ गई हैं कि मशीन से ही कटने लगा, यानी पहले तो कैंची से ही कटता था। ठीक है, ये है फिकुआ वर्क जो वीविंग की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो पुरानी और जिसके कारीगर आज की डेट में बनारस में एकदम ना के बराबर हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत कम है। और वो है कड़वा वर्क, देखिए ये है बनारस कड़वा वर्क। इसमें आपको जैसा फ्रंट मिलेगा उसी तरह का आपको बैक मिलेगा। ये आंचल आएगा, ब्लाउज पीस ये आएगा, और ये देखिए देख रही हैं बैक में आपको एक भी थ्रेड दिखेगा नहीं, इसको काढ़ के बनाया जाता है। इसको जो है बनाने के लिए दो लोग जो है एक साथ बैठते हैं, एक जो है वीव करता है, दूसरा इसको काटता है, काढ़ के जो है ये वीव होता है। इसको बनाने में 1.5 महीने का वक्त लगता है सर। कतान सिल्क का जो कच्चा जो माल आता है वो 7500 रुपीज़ केजी आता है। वेविंग की लैंग्वेज में एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं खराई करना। खराई करना मीन्स प्यूरीफाइन करना। 40% जो है वेस्ट निकल जाता है, 60% प्योर सिल्क निकलता है। गर्म पानी में खोलते हुए पानी में सिल्क को जो है उबाला जाता है, और जितनी देर तक उबालेंगे टेक्स्चर उसका उतना बेस्ट होता चला जाएगा और सारा कचरा जो है निकलता चला जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद 12-13 हज़ार रुपये केजी पड़ जाता है। अब उस हिसाब से समझ लीजिए कि आप इसकी प्राइस क्या होनी है। ये हमारा होलसेल का काम है, हम हमारे यहाँ ये आपको 12,000 रुपीज़ तक में मिल जाएगा। नॉर्मली शॉप पे आप लेने जाइएगा तो ये 18,000-19,000-20,000 रुपीज़ आपको बताएगा, 20% डिस्काउंट करके आपको खुश कर देगा। और रिटेल में साड़ियों की कोई प्राइस नहीं होती, वो शॉप कीपर के ऊपर डिपेंड करता है, होता ही है। रिटेल का जो है यही बिजनेस ही है, करिएगा क्या। इस काम को करने वाले जो कारीगर हैं बनारस में, समझ लीजिए कि एकदम ना के बराबर है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, मजदूरी मिल नहीं रही है, कास्ट निकल नहीं पा रहा है, वो भी बेचारे जो है बनारस छोड़ के अदर स्टेट पे जो है दूसरे कामों में लग जा रहे हैं। तो पुराने हैं एजेड जानकार जो वीवर्स हैं वो अपनी नई पीढ़ी को जो है इसको हैंड ओवर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ही जब नहीं बच रहा है नेक्स्ट जनरेशन को क्यों देंगे। तो इस वजह से ये काम एकदम ख़त्म सा हो चला है। बनारस में आपको कई तरह का सिल्क मिलेगा। तो ये है बनारस कतान सिल्क, इसी क्वालिटी से बनारसी साड़ी ऑल वर्ल्ड में मशहूर है। सेकेंड उसके बाद जो है मूंगा सिल्क आएगा, टसर सिल्क आएगा, जूट सिल्क आएगा, कोरा सिल्क आएगा, टिशू आएगा। इस तरह से करते हुए जो है कई तरह का आपको जो है थ्रेड मिलेगा, और सबके टेक्स्चर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। हम आपको एक टसर सिल्क की साड़ी दिखाते हैं। ये है बनारस टसर सिल्क, ये इसका आंचल आएगा और ब्लाउज पीस ये आएगा। ऑल ओवर आपको वी मिलेंगे विद मीनाकारी वर्क। मीनाकारी वर्क वो होता है दीदी, जैसे ये बेस का कलर है, जरी का वर्क है, ये जो डिफरेंट कलर आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं मीनाकारी वर्क। वीविंग की लैंग्वेज में इसको जो है तिल्फी वर्क कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मीनाकारी वर्क कहते हैं। ये जो है इसका थ्रेड जो है इससे कॉस्टली है। होलसेल की प्राइस हमारे यहाँ है करीब 27,000। ये और ये सब साड़ियाँ जो हैं जो सिल्क के जानकार हैं, शौकीन हैं, ये वही सब जो है पसंद करते हैं। ये डाइलेबल होता है, इसको साल दो साल पहनने के बाद किसी भी कलर में आप जो है डाई करा सकते हैं। प्लेन है, इस पर हमने जो है प्रिंट का काम कराया है। वीव होता और वक्त लगेगा, टाइम और वीव और डिज़ाइन का ही पैसा होता है। ये 4,000 की है। ये जॉर्जेट है, प्योर खड्डी, खड्डी मीन्स हैंड वीव की मशीन को खड्डी बोलते हैं। ओके और इससे बेस्ट जॉर्जेट होता ही नहीं है। ये आंचल आएगा,
ब्लाउज पीस इसका जो है ये प्लेन आएगा और ऑल ओवर आपको वर्क मिलेगा फिकुआ वर्क। ये 13,500 का है। इसमें हम लोग एक वर्क भी कराते हैं। ये आप जो कलर देख रही हैं ये विव नहीं है, इसको हम लोगों ने हैंड ब्रश का काम कराया है और जो हमारा पेंटर है डायर बेस्ट डायर का उसको अवार्ड मिला हुआ है। ये इसका अचल आएगा, ब्लाउज पीस इसका ये प्लेन आएगा और ऑल ओवर आपको चाल वर्क की डिज़ाइन मिलेगी। ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, ये जो कलर्स देख रहे हैं ये हैंड ब्रश का जो है कमाल है। ये विव नहीं है, ये हैंड ब्रश से जो है इसको कलर किया गया है। आप सोच लीजिए हैंड ब्रश से किया गया है, ज़रा भी आपको कलर जो है कहीं भी फैला हुआ नहीं दिखेगा। वो अपने काम में इतना माहिर है कि आपको ज़रा सा भी कलर कहीं भी फैला हुआ नहीं मिलेगा। वो 13,500 की थी, ये 15,000 की है। ये बनारसी सूट? जी बनारसी सूट। देखिए ये आपका जो है टॉप आएगा, बॉटम ये आएगा और ये दुपट्टा आएगा। टोटल मीनाकारी वर्क पे, जाल वर्क पे। तो गाइज अगर आप भी बनारसी साड़ी या सूट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। काफ़ी लेट हो गया, ये मेरे आइटनरी में मेरे प्लान में था नहीं आज। ऑल थैंक्स टू भैया, अगर ये नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं आया होता। और आप चाहें तो फुल डे बनारस सिटी टूर के लिए इनका ई रिक्शा भी बुक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज योगी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बनारस टूर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।